जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान। जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे शो जिंदगी बने आसान में स्वागत है। दर्शकों, कहते हैं ना, विद एवरी सनराइज देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। तो आइए आज हम ऐसे ही कुछ चर्चा करते हैं सक्सेस के ऊपर, कि सक्सेस पाने के लिए कहीं हमारे स्टेप्स होते हैं ज़िंदगी में, कि हमें प्लान करना पड़ता है, स्ट्रेटजाइज करना पड़ता है। अब हमने सब कुछ तो कर लिया, लेकिन आगे बढ़े कैसे? वही जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेप्स टू टेक। इसी के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। ओम शांति। ओम शांति सर। कहीं हमने बातें करी सक्सेस के ऊपर, कि मैंने सोचा कि मैं ये बिज़नेस करूं, या मुझे ये स्टार्टअप कुछ करना है, लेकिन इन दी एंड मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ प्लान करके भी हम बैठ जाते हैं उस पर। हम बस सोचते रहते हैं कि अच्छा ये आज करूंगा, नहीं नहीं ये कल करूंगा, नहीं परसों करूंगा, वो कोई डेट आ नहीं पाती। सो एज वी से टेकिंग ऑफ, प्लेन चल चुका है, सब हो चुका है, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा है। सो उसको हम टेक ऑफ कैसे कराएं? ये जो बात आपने शुरू में कही, वहां थोड़ा सोचने की बात है कि ऐसा क्यों होता है ना, कि व्यक्ति ने प्लान भी बनाया, उसने गोल भी निर्धारित किए ना, उसने प्लानिंग भी की, स्ट्रेटेजाइज भी किया, शायद थोड़ी रिसर्च भी की, फिर भी वो कर नहीं पा रहा है, जो फर्स्ट स्टेप है वो ले नहीं पा रहा है। तो उसका अधिकतर साइकोलॉजिकल रीजन है असुरक्षा। से लगता है कि शायद होगा नहीं, अगर फेल हो जाएगा तो क्या। से भी याद आता कि बहुत लोग फेल हुए, उसको किसी ने पास्ट में कहा भी हो कि भी तेरे में इतनी कैपेसिटी है, तू नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसे लगता है कि अभी जब जहां मैं हूं उससे भी शायद दिक्कतें आने लगेगी, आगे बढ़ने के बदले मैं पीछे जाऊंगा, ऐसा सोच करके भी कोई भी रीजन दे सकता है वो, कि अभी शायद ये ठीक नहीं है, ये चीज मिली नहीं, प्रॉपर स्टाफ नहीं मिल रहा है, या तो अभी भी ये चीजें रह गई है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, ऐसा सोच सोच करके वो स्टार्ट ही नहीं करता है। तो इस पर क्या करना चाहिए कि हमें थोड़ा डिटैच होकर के सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है, कि क्या मेरे में वो असुरक्षा की भावना है, कोई फियर है, कोई कॉम्प्लेक्स है कि जिसके कारण मैं नहीं कर रहा, है ना। जब आपने अगर एक प्रॉपर प्लान किया है, उसका आधार कितना बड़ा है, अगर छोटा है तो छोटा प्लानिंग होगा, बड़ा है तो बड़ा प्लानिंग होगा, कि अगर आपने सफिशिएंट टाइम दे दिया है तो फिर स्टार्ट करना ही होगा, अन्यथा पता ही नहीं चलेगा। कहे ना कि भी आपको 1000 माइल चलना है, लेकिन फर्स्ट स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा, रहे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो कई बार इसमें हमारे घर वालों का भी काफी योगदान रहता है, कि वो आपको प्रोत्साहित करें, आपको मोटिवेट करें, पीछे भी करते कि नहीं होने वाला, ऐसा भी कह सकते हैं। कई लोग बहुत डिमोटिवेट कर देते हैं कि नहीं होगा, ये मत करो, तुम डुबा दोगे पैसे, या हमारे से नहीं होगा, होगा ही नहीं। चलो पैसों की बात नहीं, अगर कोई अपनी कोई हॉबी भी परस्यू करना चाहते हैं, सिंगिंग में जाना चाहते हैं, क्रिकेट में जाना चाहते हैं, अरे तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। तो इसमें परिवार का भी जो रोल है वो कितना महत्वपूर्ण है और कितना जरूरी रहता है? डेफिनेटली परिवार या फ्रेंड्स, जो भी आपके आसपास लोग है ना, वो आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं, डीमोटिवेट भी कर सकते हैं। सिर्फ इस एक बात को हमें देखना चाहिए कि वो अगर बहुत कुछ बड़ा करना चाहते और आपको लगता है कि वो हर बार उसने किया नहीं है, पिछले अगर 5 एग्जाम्पल है कि उसने कहा कि मैं ये स्टार्ट करूंगा और उसने किया ही नहीं, दूसरा भी किया नहीं किया, फिर एक डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसी वीकनेस है कि उसने पिछली 3 बार कुछ किया ही नहीं है ना, तब थोड़ा डिमोटिवेट कर सकते कहीं। अन्यथा अगर उसमें थोड़ी 10% भी कैपेसिटी है,
और व्यक्ति में उमंग उत्साह है तब तो उसको करने देना चाहिए एक कैलकुलेटेड वे में, है ना, समझा करके भी कि तुम, और वो भी कहेगा मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो भी बता दो, हाँ, लेकिन वो डिसीजन उनका है कि अगर एक लेवल पर ऐसा लगा तो हम उसको स्टॉप भी करेंगे, तुरंत नहीं करना चाहिए। जब आपने एक बार कुछ स्टार्ट किया ना तो सफिशियंट एफर्ट फिर करनी है, अन्यथा बीच में रोक देंगे तो उल्टा जहां सफलता मिलनी है फिर मिलेगी नहीं आपको। अच्छा सर, हमने ना स्टार्ट किया, जैसे हम आगे बढ़े किसी चीज के साथ, हमें लगा कि अच्छा जा रहा है, चार पांच दिन एक हफ्ता हमने काफी मोटिवेशन दिखाया, एंथुजियाज्म दिखाया, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें एकदम से हमें लगा हम बोर हो गए, कंसिस्टेंसी चली गई। तो इस चीज पे कैसे वर्क किया जाए? कई लोग कहते हैं कि यार हम स्टार्ट कर देते हैं फिर हम एक महीना उस चीज को करते हैं, लेकिन एक महीने के बाद फिर हम एकदम लूज पड़ जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस कंसिस्टेंसी को हम कैसे बरकरार रखें? नहीं, परफेक्ट ऐसे बहुत लोग हैं, हाँ, ना, कई लोग जैसे हमारे पास भी जो आते हैं, न केवल कोई बड़े बिजनेस में, छोटी बातों में भी कहते हैं, जैसे आपने म्यूजिक सीखने की बात कही, कई लोग कहते हैं हम स्टार्ट करते हैं लेकिन फिर 10 दिन के बाद उसको छोड़ देते हैं। तो अगर प्रॉपरली आपने सोच के किया है तब ये पक्का करो कि इस चीज को कितना टाइम देना पड़ेगा। चाहे आप उसमें एक्सपर्ट नहीं बन रहे हो तब भी उतना टाइम उसमें दो ही दो, समझो भी म्यूजिक की बात है तो आपको 3-4 महीने देने ही चाहिए, तब समझ में आएगा कि कुछ तो मैं सीख पा रहा हूँ, है ना। कोई आपने जैसे आप क्लास की बात कर रहे थे तो वहां तो शायद आपको 1 साल भी देना पड़े, तब सारे 1 साल में आइडिया आएगा कि बेसिक सीजन भी हो सकती है कि तब ज्यादा स्टूडेंट जुड़ते हैं। तो पहले से सोचना, और फिर अगर डीमोटिवेट होते हैं ना तो अपने आप को पुश करो, या तो ऐसे लोग आसपास में रहे कि जो भी आपको मोटिवेट करे, कुछ मोटिवेटिंग वीडियोस भी देखो और कुछ करो, ऐसे कोई प्रोग्राम मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, हाँ हाँ, समझो कोई सेल्स का काम है कोई कर रहा है, यही सोच चलो नहीं हुआ मेरी एक्सरसाइज तो हो जाएगी। कई बार पेशेंस बहुत जरूरी होता है जो कि हम एक्चुअली में नहीं रखते, रखते हैं। तो मैंने जो नोट किया है लोगों में क्या होता है कि वो स्टार्ट कर देते हैं, अगर इमीडिएट रिटर्न नहीं आता, जैसे एक कॉन्सेप्ट है मिलेनियल्स का, कि उसमें क्या है कि अब की जो जनरेशन है अगर उनको रिजल्ट एकदम से नहीं मिलता सो दे बिकम वेरी फिजिटी एंड दे डोंट वांट टू कंटिन्यू ओनली, सो उसमें पेशेंस लेवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर हम जैसे एक नया स्टार्टअप करें और स्ट्रैटेजी हमने बना ली, प्लानिंग कर ली, हमने उसको बढ़ावा दिया, टेक ऑफ कर दिया, हमने कुछ उसका सेटअप करा, लेकिन बाय चांस उसके हमें रिटर्न्स इमीडिएटली नहीं आए तो हम एकदम से डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे अपने आप को अपलिफ्ट कैसे किया जाए? स्टार्टिंग में ये सोचना है कि भी कोई भी चीज है, है ना, कोई एक आप पेड़ भी है, तो कोई पेड़ है वो तुरंत भी फल देगा, कोई पेड़ है आपको 10 साल के बाद भी फल देगा। तो ऐसे आपका जो कार्य है उसमें सोचना ही है कि ये जो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरी एक्टिविटी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें टाइम लगेगा। ये बिजनेस ना भी हो, समझो आपको कोई सोशल वर्क करना है, है ना, तो सोशल वर्क में टाइम लगेगा, है ना, शुरू में शायद लोग आपके पास आएंगे ही नहीं, तब भी अब हम उसको चेंज करें, आइडिया सोचे, और हमने वो सफिशियंट टाइम दिया कि नहीं, हम कभी आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो टेक ऑफ की बात हो रही है, कि ये भी पॉसिबल है कि आपने सफिशियंट एफर्ट कर ली और फिर भी नहीं हुआ तो यू हैव टू मेक अ फुल स्टॉप समवेयर, लेकिन वो तो बहुत देर के बाद की बात है, तुरंत उसको स्टॉप करने की बात नहीं है, उल्टा तब हमें मोटिवेशन रखना है, डिफरेंट एंगल से सोचना है। और इसमें पहलू होता है कि नहीं एक्सपर्ट्स एडवाइस ना, कहीं बार कुछ आप कर रहे हैं ना, आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, लेकिन उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स है वो आपको सही एडवाइस दे रख सकते हैं कि आपने इतना समय दिया है, इसको शायद इतना टाइम तो लग सकता है, है ना, उल्टा थोड़ा और ज्यादा ही दे दो। तो कहीं बार ऐसा होता है कि ईगो आ जाती है जिसमें हम सुनने की क्षमता खो देते हैं, अब हमें लगता है कि हम ही एक्सपर्ट हैं, ये तो मेरा आइडिया था, मैं क्यों किसी की सुनूं।
तो इस चीज़ में ना कई बार हम कहीं अच्छी चीज़ें जो लोग हमें बताना चाहते हैं वो लूज कर जाते हैं. सो इसमें हमें क्या करना चाहिए इस केस में? लेकिन अभी ईगो इसलिए अभी एक्सपर्टी तो एक फील्ड में हो सकती है ना. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल साइकोथेरेपी आई कैन बी एक्सपर्ट है ना, लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट आई मे नॉट बी एक्सपर्ट है ना. तो वहां तो जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के एक्सपर्ट लोग हैं उनकी किसकी राय लेनी चाहिए? हमने हॉस्पिटल को एस्टेब्लिश किया तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या हमने किया? पर इफ आई एम स्टार्टिंग विद नो मेंटल हॉस्पिटल तो तब तो फिर वो एक स्पेशल एरिया ही है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एरिया कि जहाँ के जो एक्सपर्ट्स है वो आपको प्रॉपर एडवाइस दे सकते हैं. उसमें ईगो रख करके तो फिर फायदा नहीं. और कई चीजें तो ना एंटायरली डिफरेंट हो सकती है कि जिसके वो एक्सपर्ट्स आपको राय दे सकते हैं. ये कॉमन एग्जाम्पल है, मैंने कई बार दिया है कि भी किसी ने है ना गोल्ड माइंस को खरीदा ना, और उसने अपना पूरा सब प्लानिंग किया, फिर खुदाई करना शुरू की है ना, लेकिन लगा कि बेस सोना मिल ही नहीं रहा है, काफी टाइम एनर्जी सब कुछ लगा दिया, फिर तो एक लेवल पर ये आए कि बेबी हो ही नहीं सकता है, तो उसने सब कुछ बेच दिया है ना. लेकिन फिर जो दूसरे जिसने खरीदा ना वो थोड़ा समझदार था, वो जब खरीदने से पहले ना उसने एक्सपर्ट्स की राय ली, तो एक्सपर्ट्स ने कहा तुरंत खरीद लो इसको, एक कुछ फीट के नीचे ही सोना है. अगर ये व्यक्ति ही कोई एक्सपर्ट्स की राय लेता है तो उनको बोलता कि भाई 50 फीट या 100 फीट के नीचे वहां पर गोल्ड है, तुम अभी इसको स्टॉप नहीं करो ना. तो इसे बहुत सारी चीजें हो सकती है कि जिसमें हम एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं. और आजकल तो भी बिजनेस तो बहुत बड़े बड़े हैं ना, तो वहां कहीं गलतियां भी आपको एक्सपर्ट शो कर सकते हैं कि आप जैसे कि भी कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं दे रहे हो. हाँ. आप सिर्फ अपना प्रॉफिट ही देख रहे हो. हर एरिया का एक ना एक कोई ना कोई एक्सपर्ट जरूर होगा. और नहीं मतलब वो कोई नया व्यक्ति है ना उसको देख पाएगा कि जो आप सर्विस दे रहे हैं ना उसमें यहाँ पर ये मिस्टेक है ऐसे. और अगर कोई दे भी रहा है राय तो हमें उसको लेना बहुत जरूरी होता है. कई बार क्या होता है कि वो दे तो देते हैं, हम सुन भी लेते हैं, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि क्या तो ऐसे ही बोलते रहते हैं तो उनका काम है बोलना. लेकिन आई थिंक हम अगर उसे इम्प्लीमेंट करें तो हमारे रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं. उस एरिया के अगर एक्सपर्ट्स आपको दे रहे हैं ना तो हमें ट्रायल तो करनी ही चाहिए, थोड़ा सोचना तो चाहिए कि ये जब है इस एरिया के लोग है और वो इस बात को दे रहे हैं तो उसे हो सकता है फायदा. फिर हम शुरुआत में भी एक बार कोई चीज है कि भी कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया तो फिर कंटिन्यूअस उस चीज को फॉलो करेगा ना? उसको जैसे अभी अपने ने जो सेल फोन है. हाँ जी. आप एक बार एक से सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर दूसरे को नहीं कंटिन्यू करते, आपको लगता है यही मुझे कंटिन्यू करना, आई डोंट वांट टू स्विच ओवर टू समथिंग एल्स है ना. लेकिन वो फर्स्ट में वह पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर आपको अच्छी सर्विस दे और सब कुछ उसके फैक्टर्स अच्छे हो, आपको भी लगे कि दिस इज बेस्ट, तो वहां पर अगर वो किसकी एक्सपर्टी ले और उस अनुसार अपने आप को चेंज करे तो बहुत अच्छा हो सकता है ना. और कई बार उसको ही हम समझते नहीं ना. जैसे भी एग्जांपल फेमस है ऐसे तो भी नोकिया, इट वाज ओनली नोकिया एक्चुअली ओरिजिनली, लेकिन जब स्मार्टफोन आए ना तो लोग उसको नहीं कर पाए, उसके साथ चेंज नहीं कर पाए अपने आप को, वो लोग नहीं चेंज कर पाए तो सारा बिगड़ गया. अच्छा, इसी के साथ ना एक कॉन्सेप्ट आता है एनालाइज इम्प्लीमेंट एंड इम्प्रूव. तो अगर ये सक्सेस में काफी मैंने देखा है कि एनालाइज हमें क्या करना चाहिए, हमें इम्प्लीमेंट क्या करना है, इम्प्रूव क्या करना है, तो इस पे अगर आप थोड़ा सा बताएं. वेरी गुड. या तो ऐसा कर सकते हैं कि पहले इम्प्लीमेंट ना, टेक ऑफ किया फिर इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करो तब साथ साथ एनालाइज करते ही जाओ. ओके. क्योंकि भी गलतियां हो सकती है कि मैं हम जो भी स्टेप ले रहे कहीं गलत स्टेप्स तो नहीं ले रहे है ना, तो उसको एनालाइज करते जाओ और फिर अकॉर्डिंगली उसको इम्प्रूव करो. इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है. जैसे नोकिया का आपने बताया, तो नोकिया एक्चुअली में इट वॉज अ वेरी बिग मार्केट प्लेयर एट वन पॉइंट इन टाइम, बट क्योंकि वो अपने आप को स्ट्रेटेजिकली इतना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया एज पर द मार्केट, दे कुड नॉट थिंक कि ये मार्केट इतनी बड़ी हो सकती है ऐसे है ना.
सो आई थिंक ये बहुत जरूरी होता है कि हमें इम्प्रूव करना है हर स्टेज पे, तो इम्प्लीमेंट करने में गलतियां भी हो सकती हैं। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल, एक छोटा सा बिजनेस है, जो व्यक्ति मेरे पास आया था वो उन्होंने क्या किया कि मिनरल वाटर है ना, उसका प्लांट शुरू किया। उसने सब कुछ किया, उसने प्लानिंग की ने सब कहाँ पर हो सकता है, कौन लोग खरीद सकते, कैसे होगा, क्या सब कुछ किया। और जब उसने टेक ऑफ करके इम्प्लीमेंट करने लगा ना, तो उसने एक चीज को वो अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाया कि लोगों ने ले तो ले ली, लेकिन फिर पैसे नहीं देते थे, बोलते थे दूसरा माल दो। तो उसको लगा दूसरा माल नहीं दूंगा तो वो पैसे वो नहीं देगा, तो दूसरा देता गया, तीसरा देता गया, चौथा देता गया। तब उसको आइडिया है, अरे कितना बड़ा लॉस है अभी तो, दिस पीपल आर नॉट गिविंग। तो तब उसने जब इम्प्लीमेंट किया, फिर एनालाइज करना चाहिए था, चलो एक बार ठीक है, सेकंड फिर तो उसको स्टॉप जो करना चाहिए था कि भी अभी दो नहीं तो अन्यथा नहीं दे सकते। हो सकता है कि भी किसी का उसका चला भी जाता तो भी उतना ही लॉस था। फिर कहीं प्रेशर भी तो दे सकता था कि भी तो पैसा देना ही पड़ेगा, आप नहीं दे रहे तो हम आपको दूसरा माल नहीं दे रहे, चाहे उसका प्रोडक्शन थोड़ा सा एक बार कम भी हो जाए, या और कुछ स्ट्रेटेजी भी अपना सकते थे। अच्छा, कई बार ना इनसिक्योरिटी आ जाती है बहुत ज्यादा, लगता है कि यार अगर मैंने स्टार्ट किया, हो सकता है कि मैं अपने पीयर्स जो हैं या अपने आसपास के फ्रेंड्स हैं तो उनके हिसाब से ना कर पाऊँ, या मेरे घर वालों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ना कर पाऊँ, तो एक इनसिक्योरिटी, एक सेल्फ डाउट कई बार आ जाता है, कॉन्फिडेंस हमारा कम हो जाता है, उस चीज़ को हम कैसे अपलिफ्ट करें? ये तब तो ये सोचना है कि एक तो मैं यूनिक हूँ, सिर्फ जो पीयर्स कर रहे वही मुझे करना, ऐसा नहीं, चाहे करना भी है क्योंकि मार्केट उसी प्रकार की है, परंतु मैं यूनिक हूँ, मैं अपने यूनिक वे में कुछ करूंगा। और जितना जितना मैं यूनिक वे में करता जाऊंगा, अगर मेरी प्लानिंग अच्छी है, मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी है, तो लोग उसको एक्सेप्ट करने ही वाले हैं, है ना। तो फियर तो थोड़ा भी नहीं रखना है ना, क्योंकि ना कहते हैं कि भी ब्रेव कौन है, कि ब्रेव वह है कि इन स्पाइट ऑफ फियर वन हु कंटिन्यूस। ब्रेव वो नहीं कि जिसको डर है ही नहीं, डर तो सबको लगता है, लेकिन डर के बावजूद वह आगे बढ़ रहा है, है ना, वह सचमुच ब्रेव है ना। तो समझदारी रखो कि ये हो सकता है और हम ऐसे ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं ना, और ओवरऑल क्या होगा, ये भी अभी इम्प्लीमेंटिंग में भी है कि भी कई चीजें ना सीजनल भी हो सकती है, कि भी कुछ सीजन में वो ज्यादा चलती है, कुछ सीजन में नहीं चलती, लेकिन हमें उससे डीमोटिवेट नहीं होना। आपको ओवरऑल सारे साल का देखना है कि सारे साल में कहां तक मैं पहुंच रहा हूं। हमें आई थिंक सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के चलना चाहिए, नॉट जस्ट वन फैक्टर कि अच्छा आज नहीं हो रहा है तो, सो आई थिंक वी नीड टू ट्रीट इट लाइक जस्ट मे बी यू नो अ वीक फेज, बट नॉट, इट इज नॉट अ वीक लाइफ टाइम, सो वी कैन एक्चुअली इम्प्रूव। But when we say success, no, it's not only business. It can be anything. It can be, suppose आप sports में आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना? तो भी आपको करना है, implement करना है, करते जाओ, फिर देखो कि भी कहाँ गलती हुई, है ना? हर रोज रन नहीं बनते, हो सकता है एक दिन सेंचुरी हो, एक दिन कम भी हो, कम हो, सो आई थिंक वो चीज हमें माइंड में रख के चलनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये मेरी गलती हुई तो कहाँ मैं डीमोटिवेट हुआ, अभी पहले से सोचो भी एक्सरसाइज के लिए मैं नहीं उठा, आज कुछ तो कारण हो गया, तो कल कैसे मैं एक्सरसाइज के लिए उठूंगा ही, तो वो भी आपका वहां पर एनालाइजिंग हो गया, है ना, आपने इम्प्लीमेंट किया, अपने आप को इम्प्रूव किया, है ना, वो एवरीडे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर गिरीश, आई थिंक हमने काफ़ी अच्छी इस चीज़ पे चर्चा करी कि सक्सेस क्या है, फाउंडेशन क्या है, फिर उसके बाद हमें कैसे एनालाइज और स्ट्रेटजाइज करना चाहिए, और उसके बाद जो बहुत बहुत मेजर चीज़ है जो हम एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कभी कभार लेजी हो जाते हैं, कई बार हम बहुत डरते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, सो वो सारी चीज़ों को हमें ओवरकम कैसे करना है, एंड वी नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड कन्वर्सेशन जिसके अंदर हमने कुछ कुछ टॉपिक्स या कुछ कुछ चीज़ें कवर करी जिसके अंदर हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं टू टेक द फर्स्ट स्टेप। थैंक यू सो मच। थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। सो दर्शकों, आज हमने बात करी कि
जो पहला स्टेप है वही कितना मुश्किल है, लेकिन वही कितना ज़रूरी है। आइए इसी के ऊपर हम और चर्चा करेंगे अपने आने वाले एपिसोड्स पे। सक्सेस आगे कैसे बढ़ाएं, अगर हमने टेक ऑफ भी कर लिया, आगे हमने अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर लिया, उसको सक्सेस की तरफ, कंप्लीशन की तरफ कैसे लेके जाएं। हमारे साथ बने रहिए। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज, गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487।